अरे बाप रे, हाथी का पैर का निशान। मोनिशा की माँ, हेलो दोस्तों, नमस्कार, सबको स्वागत है फिर हमारे इस छोटी सी वीडियो में। और आज हम जा रहे हैं जंगल को दो चीज लाने के लिए। एक पहले हम खोजेंगे, ढूंढेंगे मशरूम, जो कि हुआ है वो जो सांप जो रहते हैं उस बिल में होता है, लेकिन जिस बिल में होता है उसमें सांप नहीं रहते हैं, तो उसको हम ढूंढने के लिए जा रहे हैं। और उस मशरूम को भी आपको हम दिखाएंगे, लंबा लंबा होता है, आधा आधा फुट या एक एक फीट का होता है, इतना लंबा लंबा मशरूम होता है, तो उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। अगर मिलेगा तो लाएंगे, और एक चीज लाएंगे जो कि लकड़ी लाएंगे, सूखा सूखा लकड़ी। हम क्यों लाएंगे, जो हमारा गैस जब जिस दिन खत्म हो जाता है तो उस दो दिन हम लकड़ी से ही हम चावल को हम पकाते हैं, खाना पकता है लकड़ी से ही, तो इसीलिए लकड़ी हम लाएंगे। अगर पहले मशरूम को ढूंढेंगे उसके बाद में लकड़ी को लाएंगे, तो ठीक है, वीडियो के साथ बने रहिए। और यहाँ पे बैठे हैं मोनिशा की माँ और मोहिमा हाइपरदे पवित्र, और मोहिमा किधर गए? और मोनिशा वहां पे मिरर में वो पूरा फैशन हो रहा है। मोनिशा देखते हैं, आपको हम दिखाते हैं, वो सब कुछ देख देख के सीख गया है। मोनिशा क्या हो रहा है? नहीं करी दे, यार देखी करी। और यहाँ पे मोनिशा उसका दीदी का मोनिका का लाया है ये नकपलिस, और ये तेल है, और ये देखिए मोनिशा यहाँ पे। और मैं अभी बासी पखाल और ये पुटोल को, उसका भाजा बने वो मैं खा लेता हूँ फटाफट से, और जाते हैं। हमारे मिसेज जो है वो पहले खा लिए थे, इसलिए अभी मेरे लिए ये लाए हैं, और मैं फटाफट से खा लेता हूँ और खा के हम दोनों जाएंगे, क्योंकि जंगल जाने में 1.5 घंटा 2 घंटा की लगभग लग जाता है टाइम, इसीलिए वहाँ पे भूख भी लगेगा, इसीलिए पहले खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा और हम जाते हैं। और अभी हम निकलेंगे, और ये है, इसमें लगा करके भी शूट करना है, इसलिए ये भी लेके चलेंगे। और बच्चे लोगों को 20 रुपया दिए हैं, वो खाएंगे कुछ चॉकलेट और घर में रहेंगे ऐसा बोल के, और ठीक है चलो दो। वो फार्म वाले रास्ते से जाएंगे जो कि पहले भी आपको दिखाए थे, इसी रास्ते से ही जाना पड़ेगा, और रास्ता नहीं है,
अरे कैसा चल रहे हो, जल्दी चलो चलो तुम आगे आओ। और हमको जाना है उस पर्वत के ऊपर, पहाड़ के ऊपर ढूंढना है मशरूम को। अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ का सूखा लकड़ी हम पकड़ के घर की ओर जाएंगे। अरे बाप रे, हाथी का पैर का निशान, मनीषा की माँ। अरे अरे आधे 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 हाथी का पैर का निशान, अभी तो हम बुरे फंस गए। अरे बाप रे, अरे बाप रे, हाँ हम आपको घर जाना पड़ेगा। दोस्तों अभी तो पूरा बहुत ही डर लग रहा है, हम मशरूम को ढूंढेंगे कि नहीं, कि लकड़ी भी हम ले पाएंगे कि नहीं, बहुत ही डर सा लग रहा है। और हम जंगल के अंदर आ चुके हैं और हम फंस भी गए हैं, अब भी हम किधर जाएंगे। जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते में से पूरा अभी भी है जानवर, ऐसा लग रहा है। लेकिन हम मोनिशा की माँ भी पूरा बहुत ही डर गया है पूरा। और अभी हम आपको दिखाते हैं, पहले जो हम देखे थे वो दूसरा ग्रुप है, और इसी रास्ते से जो गए हैं वो दूसरा ग्रुप है। पूरा बहुत ही बड़ा दल का जो झुंड था, हाथी का झुंड, इसी रास्ते से गए हैं। हम आपको अभी दूसरा वाला कैमरा से हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इधर से एक हाथी गया था और बहुत बड़ा झुंड उधर से गया। ये देखिए, ये है उसका पैर का निशान, यहाँ से ऊपर चढ़ा था। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहाँ पे तो गड्ढा खोदा हुआ है इसलिए यहाँ से उस पर नहीं जा पाए। और देखिए यहाँ से, ये है एक पैर का निशान, ये देखिए, ये देखिए। अरे मोनिशा की माँ, तुम उधर बैठे रहो, मैं थोड़ा पैर देखता हूँ किधर तक गया है। ये देखिए, ये ऐसा करके गया है, ये भी सारा यहाँ से एक हाथी गया तो सारा झुंड उधर से गया है, उधर से। ये देखिए पैर का निशान, ये देखिए इधर भी, ये देखिए कितना दूर तक गया है। ये उधर तो नहीं जा पाएगा, पूरा गड्ढा ही गड्ढा है। इधर से इधर पड़ा उसका पैर, फिर इधर, फिर इधर, वो यहाँ पे नीचे उतरा। ये देखिए यहाँ से वहाँ से नीचे उतर के उधर चला गया। अभी डर लग रहा है किधर हम ढूंढेंगे किधर नहीं। ये देखिए पहाड़ तो है, देखते हैं पूरा। थोड़ा सा वहाँ पे पिछले साल हम लिए थे, वहाँ पे हम ढूंढेंगे और पूरा छुपके से घर लौट जाना ही हमारे लिए ठीक होगा। चल चल, धीरे से जाना पड़ेगा, देख देख के जाना पड़ेगा। और ये देखिए इसी रास्ते से पूरा गए हैं, इसी रास्ते से झुंड। थोड़ा पैर का निशान आपको नहीं दिख रहा होगा, घास वगैरह और जमीन भी थोड़ा सूखा हुआ है इसीलिए पैर का निशान नहीं दिख रहा है। अब धीरे धीरे करके जैसे तैसे करके हम जंगल के अंदर आ चुके हैं। आए हैं तो आए हैं, कुछ अगर मिलेगा थोड़ा सा ढूंढेंगे, ज्यादा नहीं, कुछ मिलेगा तो लेके जाएंगे, नहीं तो लकड़ी भी इधर का नहीं लेंगे। फिर उस गड्ढा में हम कैसे फिर पार होंगे, गड्ढा के उस पार में लकड़ी अगर मिलेगा तो लकड़ी को भी सूखा लकड़ी लेके जाएंगे। और क्या करेंगे, हाथी का पैर दिख गया और हाथी भी तो बिल्कुल है यहाँ पे पूरा। अगर
इसलिए हमको जल्दी ही जाना है, थोड़ा सा ढूंढेंगे ज्यादा नहीं, और जल्दी ही यहाँ से हुआ है कि नहीं। यहाँ पे भी होता था पिछले साल, लेकिन इस साल नहीं हुआ है, थोड़ा बारिश अच्छा से नहीं हुआ इसीलिए नहीं हुआ। और दो जगह है उधर ऊपर, और उसमें भी है तो लेंगे, नहीं तो वापस लौट जाएंगे। यहाँ पे भी शायद नहीं हुआ है, नहीं तो इसमें बहुत ही ज्यादा मशरूम होता है, पूरा इधर से चारों कोन पूरा मशरूम हो जाता है, पूरा फूल मशरूम होता है। यहाँ पे 2 से 3 किलो मशरूम यहाँ से ही निकलता है। पिछले साल हम लिए थे लेकिन इसी साल नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। चे का हो किनारे, आउ थोड़े बरसिले हे पारे लेखे लगुची, हेतकी दूर आसबार टा पूरा मेहनत बेकार ही गला। फिर हाथी माने केन दिए अच्छे जे हुआ, बहुत डर लगुचे। आम एचने अलग बाटू फिर जेन बाटू आम आसीचू हे बाटू सेंट पाई जाए थी हाथी माने, धीरे धीरे कर उतरबार के पड़वा अलग बाटू नले है बाटू हेले उतरले भी टे भल से उतरमा। चल एक पत्ता लेकिन मिल गया है जो कि खाते हैं, ये है हमको मिल गया है। ये पत्ता भी बहुत ही मुश्किल से मिलता है जंगल में, मसरूम इसको इसमें टमाटर अगर इसमें दोगे तो बहुत अच्छा लगता है। हम बना करके दिखाएंगे आपको, रात में बनाएंगे ना, तो रात का वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा ये पत्ता कैसे बना करके खाते हैं। इसको हमारे अपनी भाषा में कांटेस पत्ता बोलते हैं, कांटे, क्योंकि यहाँ इसका पत्ता में कांटा होता है। कैसी कहें कहें, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कांटा होता है इसके, देखिए इसके हर पत्ता में इसका कांटा होता है, देखिए ये क्लियर नहीं दिख रहा है पत्ता में। यहाँ पे एक लकड़ी भी पड़ा हुआ है, इसको भी लेके चलेंगे। सितम नगे में
आते हो ना। दोस्त अभी हम घर पहुंच गए हैं और बहुत ही गर्मी लग रहा है, लगता है बहुत ही बारिश होने वाला है और ऊपर में बादल बादल भी है और धूप भी दे रहा है और बहुत गर्मी दे रहा है। और हम जब घर पहुंचे तो हमारा मन थोड़ा हल्का लगा, थोड़ा अच्छा लगा। बहुत ही डर डर लग रहा था जंगल में, रास्ता को देख देख के हम आए और मच्छर भी बहुत काट रहे थे जंगल में और ज़्यादा नहीं ढूंढ पाए। अगर ढूंढते बहुत ज़्यादा तो शायद मिलता, लेकिन वो जानवर के जो वो जो पेड़ जो हमने जो देखा, हाथी का पेड़ और उसी आसपास में तो पूरा रहते हैं हाथी, तो इसीलिए हम ज़्यादा नहीं ढूंढे और फटाफट से घर लौट आए। और अभी हम घर पहुंच गए हैं, आप सब देख सकते हैं। और देखते हैं और एक बार बारिश हो जाएगा तो वो जो दो जगह पे जो हमने ढूंढा नहीं मिला उस जगह में हो जाएगा मशरूम। और देखते हैं फिर, आज नहीं तो कल फिर और एक बार जाएंगे, मशरूम ढूंढ के पूरा लाएंगे, वो वाला वीडियो भी आपको दिखाएंगे। तो इस वाला वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, अभी बहुत ही थकान सा लगा है, अभी पानी वगैरह हम पियेंगे। फिर रात को फिर डिनर में आएगा वो जो हमने जो पत्ता जो लिया है, उस पत्ता को कैसे बनाते हैं वो भी आपको हम दिखाएंगे। अगर उस पत्ता को आप पहचानते हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, जो कांटा कांटा होता है उस पत्ता को खाते हैं और कैसे बना करके हम खाते हैं वो आपको दिखाएंगे रात का डिनर का वीडियो में। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।